भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के ऑप्शंस अभी तक लोगों के पास नहीं हैं, इसलिए फ्यूल से चलने वाली हैचबैक कारें अच्छी बिकती हैं। आने वाले समय में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें भी भारतीय मार्केट में आ सकती हैं और टाटा नानो के इलेक्ट्रिक रूप से भी पर्दा उठ सकता है। फिलहाल रतन टाटा के पास नैनो इलेक्ट्रिक है, जिसे इलेक्ट्रा ईवी ने विशेष रूप से तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा नानो आने वाले समय में जायम नियो नाम से सड़कों पर दिख सकती है और इसकी कीमत किफायती और रेंज में भी अच्छी होगी। 2018 में कोयंबटूर आधारित कंपनी जायम ने अपने ब्रांड के साथ नानो का इलेक्ट्रिक वेरिएंट जायम नियो प्रस्तुत किया और इसके 400 इकाइयों को ओला को कैब एग्रीगेटर देने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जायम नियो को सामान्य लोग खरीद सकते हैं और इसके बारे में आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। अगर बात इसकी कीमत की करी जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नानो ईवी को आने वाले समय में जायम नियो के रूप में 5 लाख रुपए तक की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। और बात इसकी बैटरी रेंज की करी जाए तो इस कार में 72V बैटरी पैक होगा, जिसकी पूरी चार्ज पर ड्राइविंग रेंज 200 किलोमीटर तक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नानो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, एसी, फ्रंट पावर विंडो, ब्लूटूथ, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और रिमोट लॉकिंग सिस्टम जैसी कई विशेषताएं हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा मोटर्स ने जायम का अधिग्रहण करते रतन टाटा को दिया है और नानो इलेक्ट्रिक परियोजना की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।